कल आरसीबी ने एसआरएच को सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि एक तरफा हराया। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़े थे तो खूब रन बने थे और एसआरएच पहले बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल 287 रन का स्कोर भी खड़ा किया था। जवाब में आरसीबी की टीम 262 रन बना पाई थी और मैच एसआरएच 25 रन से अपने नाम की थी। पर कल आरसीबी ने टॉस जीता और इस बार पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए आरसीबी पहले तीन ओवर में 43 रन बना लेती है। इसके बाद विकेट भी गिरे फिर भी आरसीबी पावर प्ले में एक विकेट खोकर 61 रन बना लेती है। फिर कोहली और रजत पाटीदार ने पारी को संभाला और दोनों के बीच 34 गेंद में 65 रन की पार्टनरशिप भी हुई। पर पाटीदार 20 में 50 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर कोहली भी 51 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। मैच में एसआरएच वापसी कर चुकी थी और आरसीबी के लगातार विकेट गिरते रहे। पर कैमरॉन ग्रीन के 20 गेंदों में 37 और स्वप्निल सिंह के 6 गेंदों में 12 रन की पारी के चलते आरसीबी 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 206 रन बना लेती है। बात करें एसआरएच की गेंदबाजों की तो जयदेव नटकट को 3 विकेट मिले जबकि पैट्स कमिंस काफी महंगे रहे और अपने 4 ओवर के स्पेल में 55 रन देकर 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। एसआरएच को जीतने के लिए टारगेट मिला 207 का और एसआरएच के बैटिंग लाइनअप के लिए 207 का टारगेट कुछ खास बड़ा नहीं होता। पर एसआरएच को पहले ही ओवर में काफी बड़ा झटका लगा जब ट्रेविस हेड 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और एसआरएच की टीम पावर प्ले में ही अपना 4 विकेट गंवा देती है जिसमें अभिषेक शर्मा, मकरम और क्लासन भी शामिल होते हैं। आरसीबी की गेंदबाज एसआरएच के ऊपर हावी हो रहे थे तभी सवाज अहमद और कप्तान पैट्स कमिंस ने पारी को संभाला और दोनों के बीच 39 रन की पार्टनरशिप हुई जो इस इनिंग की सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही। फिर कप्तान कमिंस भी 15 में 31 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और सवाज अहमद के 40 रन के बाद भी एसआरएच की टीम 20 ओवर में केवल 171 रन ही बना पाती है और मैच 35 रन से गंवा देती है। बात करें आरसीबी की गेंदबाजों की तो करण शर्मा, कैमरन ग्रीन और स्वप्निल सिंह को 2-2 विकेट मिले तो वहीं यश दयाल और विल जैक्स को 1-1। इसी जीत के साथ आरसीबी इस सीजन का अपना दूसरा मैच जीतने में सफल रही। इस मैच के हार या जीत से कांस्टेबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा और आरसीबी अभी भी नंबर 10 पर है तो वहीं एसआरएच की टीम नंबर 3 पर। आज मैच है केकेआर और पंजाब किंग के बीच में जहां केकेआर के पास अच्छा मौका है मैच जीतकर कांस्टेबल पर नंबर 2 की पोजीशन को और मजबूत करें।